नमस्कार दोस्तों, मैं राजा रोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर आईक्यू जीके में। आज के एक वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित 300 से अधिक प्रश्न लिए हैं, जो 300 पॉलिटी के प्रश्न एक ही वीडियो में अवेलेबल हैं, जो आपके किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इस बात की गारंटी देता हूँ। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। When was the Constituent Assembly constituted? संविधान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है जुलाई 1946। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूएटेड। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है दिसंबर 9, 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? राइट आंसर है नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। अगला प्रश्न है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 12। संविधान सभा में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कुल 12 थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 33 ट्राइब्स थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों यानी कि 389 में से भारत में 299 ही रह गए थे, जिनमें 296 चुने हुए थे वही 70 मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 7। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट। संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई थी? राइट आंसर है दिसंबर 13, 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक बहस हुई थी? राइट आंसर है 114 दिन। अगला प्रश्न है, हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस टेक। संविधान सभा प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? राइट आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। संविधान सभा को पास किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट को फुल्ली इंप्लीमेंटेड किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल रूप से कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट का फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल से भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 31 अक्टूबर 1946।
31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन यानी कि रिकंस्टिट्यूट किया गया था। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 299। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नियुक्त किया यानी अपॉइंट किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में चुने गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट मीटिंग हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया? राइट आंसर है संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? राइट आंसर है संविधान की प्रस्तावना को। प्रेम्बल को संविधान का की बोला जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? राइट आंसर है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 साल से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया था? राइट आंसर है 42वें संशोधन। 42वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 साल से घटाकर 5 वर्ष किस संशोधन में किया गया? राइट आंसर है 44वें में। 42वें में 5 से 6 कर दिया गया और 44वें में 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। किनके लिए? लोकसभा और विधानसभा की अवधि को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? राइट आंसर है 42वें। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? राइट आंसर है 41वें संविधान संशोधन। 41वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है, किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? राइट आंसर है 61वां। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया? राइट आंसर है 69। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के संविधान से फाइनेंशियल इमरजेंसी को लिया गया है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिया गया है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है रूस। रशिया के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लिया गया है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक
शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को एंड सिंगल सिटीजनशिप को टेकन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल में भारत के सभी राज्य और उनके सभी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है सातवीं अनुसूची, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा सातवें शेड्यूल में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर है दूसरा अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल में राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख दूसरे शेड्यूल यानी कि सेकेंड शेड्यूल में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल्स? राइट आंसर है 8। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल रूप से आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? राइट आंसर है 14। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में सिर्फ 14 ही भाषाएं थी। केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर है 3, संघ, राज और संवर्ती। अगला प्रश्न है, संवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के लिए नहीं है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के लिए संवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है। संवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा को आठवीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? राइट आंसर है 2003 में, 2003 में मैथिली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके अलावा सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1967 में हुआ था में जोड़ा गया। कोकनी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। हाल में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा भी शामिल किए गए, यानी कि मैथिली भाषा के साथ में 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें बोडो भाषा, डोगरी भाषा और संथाली भाषा भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? राइट आंसर है 1951 में, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है? राइट आंसर है 69, 69वीं अनुसूची से संबंध रखता है भूमि अधिग्रहण। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? राइट आंसर है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था उसी के तहत 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार, 73rd अमेंडमेंट 1939 के अनुसार 11वें शेड्यूल को जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज संस्था के कार्य संबंधी प्रावधानों का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है,
12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? राइट आंसर है 74वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर है 12वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राज्य क्षेत्रों में से नए राज्य का निर्माण, राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का फॉर्म किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है फजल अली। फजल अली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? राइट आंसर है जुलाई 1956। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? राइट आंसर है 26 अप्रैल 1975। अगला प्रश्न है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? राइट आंसर है 20 फरवरी 1987। अगला प्रश्न है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? राइट आंसर है 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को फुल्ली स्टेट बना दिया गया। अगला प्रश्न है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बनाया गया? राइट आंसर है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? राइट आंसर है आर्टिकल 370। अगला प्रश्न है, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? राइट आंसर है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है इंडियन प्रोविजन में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? राइट आंसर है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। अगला प्रश्न है, अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? राइट आंसर है 1979 को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? राइट आंसर है 6। वर्तमान में भारतीय नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत वर्णित है। और छठा है संवैधानिक अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का संबंध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है यानी वर्णित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच, आर्टिकल 19 से 22 के बीच राइट टू फ्रीडम रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है आर्टिकल 19A।
6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करना किस अनुच्छेद से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 21 का क, यानी कि आर्टिकल 21 का ए में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम करवाना एक जुर्म अपराध है? राइट आंसर है अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बच्चियों को किसी भी व्यवसायिक जगहों पर काम करवाना एक कानूनन जुर्म है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी को निषेध बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 के अनुसार मानव के व्यापार और बंधुआ मजदूरी, यानी कि मानवों का व्यापार जो मानवों को खरीद बिक्री का काम करते हैं, या बंधुआ मजदूरी को एक कानूनी जुर्म बताया गया है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर है भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बताया गया है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 39 का ए। अनुच्छेद 39 के क के अनुसार इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आता है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, प्रमोशन ऑफ हिंदी कम्स अंडर विच आर्टिकल, हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 351 आर्टिकल 351 के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देना आता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 350 के ए के अनुसार। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान के अंतर्गत 42वें अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य को किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? राइट आंसर है भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 का क। फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग यानी पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अनुसार जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? राइट आंसर है 10। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 11। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया? राइट आंसर है 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होती है। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर है प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हाउ मेनी इयर्स इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट? राइट आंसर है 5 ईयर, क्योंकि पूरे भारत में 5 ईयर का प्लान चलता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राइट आंसर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? राइट आंसर है ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, हु कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालन करता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति से संबंधित इलेक्शन के मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है
महाभियोग लगाकर बाय इम्पीचिंग इम्पीचिंग के द्वारा प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पहले लिखित रूप से सूचना करना अनिवार्य है? राइट आंसर है 14 दिन पहले। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पहले उन्हें 14 दिन पहले सूचना दिया जाना होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? राइट आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर, अनुच्छेद 61 के ए के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राइट आंसर है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? राइट आंसर है जितनी बार चाहे, जब तक वो मर न जाए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करवाते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राइट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत में ऐसे परिस्थिति बने कि यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भार संभालता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुई हुई यानी कार्यकाल समाप्ति से पहले हो गई थी? राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने समय में भरना अनिवार्य होता है? राइट आंसर है 6 मंथ। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राइट आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? राइट आंसर है 5 लाख रुपए प्रति मंथ। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति मंथ है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, द एक्टिंग प्रेसिडेंट हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? राइट आंसर है एम हिदायतुल्ला, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के प्रति युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राइट आंसर है विधायकी अधिकार, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? राइट आंसर है आजादी के बाद से अब तक 132 बार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राइट आंसर है किसी भी सदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? राइट आंसर है संसदों एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी राष्ट्रपति को इलेक्ट करने में एमपीज मेंबर और लेजिस्लेटिव मेंबर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर है प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट थी। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? राइट आंसर है 3 वर्षों के लिए, वो भी
सिर्फ 6-6 महीने के अंतराल पर, यानी हर 6 महीने पर उसे इम्प्लीमेंट यानी कि बढ़ाया जा सकता है और ये अधिकतम 3 वर्षों तक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में आपात कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राइट आंसर है 2 मंथ के लिए। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरा होने तक। अगला प्रश्न है, लोक धन के व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी वॉच डॉग के रूप में किसकी नियुक्ति की जाती है? राइट आंसर है कैग। लोक धन व्यय की निगरानी करने के लिए संसदीय प्रहरी जिसे कि वॉच डॉग के नाम से जानते हैं कि नियुक्ति की जाती है वो है कैग। कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है 72। राष्ट्रपति किसी को क्षमादान कर सकते हैं, इसकी शक्ति उन्हें अनुच्छेद 72 से मिलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकालीन शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है अनुच्छेद 52 से 60 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कितने प्रकार का आपातकाल लगा सकते हैं? राइट आंसर है 3 टाइप से, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? राइट आंसर है आर्टिकल 352। युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल 352 के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण लगाया गया आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? राइट आंसर है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? राइट आंसर है पंजाब 1951 में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? राइट आंसर है पंजाब में। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? राइट आंसर है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर है 26 अक्टूबर 1962, भारत चीन युद्ध के समय में। भारत में पहला आपातकालीन स्थिति आई थी 26 अक्टूबर 1962 में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? राइट आंसर है 3 से 17 दिसंबर 1971 के तहत भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। अगला प्रश्न है, भारत में तीसरे आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? राइट आंसर है जून 1975 में तीसरे आपातकालीन की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 50+50 के जोड़े में। अगला प्रश्न है, दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किसके नाम से किया जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के नाम से। दूसरे देशों के साथ कोई भी संधि या समझौता होती है तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है, चाहे उससे कोई भी कर रहा हो, भारत का प्रेसिडेंट कर रहा हो या रक्षा मंत्री कर रहा हो या होम मिनिस्टर कर रहा हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर है संघ एवं समवर्ती सूची पर। संघ एवं समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह कानून बन जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उसे पास होने के बाद राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं और वह कानून के रूप में बनकर तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है 14। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन कम से कम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? राइट आंसर है
दो माह के लिए। राष्ट्रपति शासन कम से कम दो महीने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, दो बार राष्ट्रपति कौन बने थे? राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो बार राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और ये उनकी सूचना स्पीकर तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के किस सदन द्वारा होता है? राइट आंसर है दोनों सदनों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राइट आंसर है 4 लाख और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का एक्स ऑफिसियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उन्हीं के लिए इन्हें 4 लाख की वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद का निपटारा कहाँ होता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 63। भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा यह आर्टिकल 63 कहता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी अपना त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देते हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सहित उनके सभी मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? राइट आंसर है नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग रखा गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, 16 साल 9 महीने 13 दिन। अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अगला प्रश्न है, एकमात्र प्रधानमंत्री जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए? राइट आंसर है चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे कम समय तक यानी मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन रहे? राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दो बार भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन रहे? राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री रहे, वो भी दो बार। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? राइट आंसर है जगजीवन राम, जो कि 32 साल तक कैबिनेट मंत्री बनकर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति तो प्रमुख होते हैं, राज्यसभा को अपर बोलता है और लोकसभा को लोअर बोलता है। अगला प्रश्न है, संसद का प्रथम सदन या निचला सदन क्या कहलाता है? राइट आंसर है लोकसभा। लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं और साथ में इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? राइट आंसर है
राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है 250। राज्यसभा के सदस्यों की मैक्सिमम नंबर 250 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 245, जबकि 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राइट आंसर है 12। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसा सदन है? राइट आंसर है अस्थाई, यानी कि परमानेंट, इसे भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी किसी भी हालत में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राइट आंसर है 2/3, 2/3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 3 अगस्त 1952 को, 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा की पहली बार गठन की गई थी। अगले प्रश्न है, राज्यसभा में सर्वाधिक सीट किस राज्य की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, वो भी 31 है। अगला प्रश्न है, किसी भी धन विधेयक को किस सदन में पेश नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है राज्यसभा, किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा के अंतर्गत पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में पारित किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा में कितनों दिनों तक रोक कर रख सकते हैं? राइट आंसर है 14 दिन। किसी प्रकार का धन विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुका है वो राज्यसभा में मैक्सिमम 14 दिनों तक रोक कर रख सकता है, उससे ज्यादा दिनों के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 552। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर है 545। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 45 है, लेकिन ये 552 तक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राइट आंसर है 2, वो भी एंग्लो इंडियन को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने की बात कही गई है? राइट आंसर है 2026। अगला प्रश्न है, लोकसभा की गणपूर्ति जिसे कि कोरम कहते हैं, कुल सदस्य संख्या का कौन सा भाग होता है? राइट आंसर है 1/10, यानी कि 55, कम से कम 55। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? राइट आंसर है अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, संविधान की संयुक्त अधिवेशन प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की 2 बैठक के बीच में कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? राइट आंसर है 6 माह। लोकसभा की पहली और दूसरी बैठक के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राइट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए मिनिमम एज 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष क्या कहलाते हैं? राइट आंसर है स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा भंग होने के बाद भी कौन अपने पद पर बना रहता है? राइट आंसर है स्पीकर, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहते हैं, वो लोकसभा भंग होने के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह कौन तय करता है? राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है
गणेश वासुदेव मालवंकर यानी कि जी वी मालवंकर। अगला प्रश्न है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है 6 मई 1952। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को किया गया। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है शपथ नहीं लेते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते हैं, बस उन्हें चुन लिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देते हैं? राइट आंसर है उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है, लोकसभा उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देते हैं? राइट आंसर है अध्यक्ष को। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वो अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर? राइट आंसर है राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? राइट आंसर है 30, सर्वोच्च न्यायालय में 30 जजेस होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? राइट आंसर है 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की अधिकतम सीमा उम्र सीमा 65 वर्ष की है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है हीरा लाल जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर है 25, भारत में अभी तक 25 हाई कोर्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? राइट आंसर है 62 वर्ष। हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के की रिटायरमेंट की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राइट आंसर है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है, सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है महानिवादी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल सरकार का प्रथम विधि का अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, कैग की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? राइट आंसर है 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, सांसद बनने के लिए 25 वर्ष यानी लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? राइट आंसर है राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति शासन करते हैं और राज्य में उनका चेला राज्यपाल होता है यानी गवर्नर। अगला प्रश्न है, आपातकाल में केंद्र के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? राइट आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राइट आंसर है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। गवर्नर सारे स्टेट के यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा गया है? राइट आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन क्या कहलाता है? राइट आंसर है विधान परिषद। व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कॉल्ड? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए
न्यूनतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 40। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कम से कम 40 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम से अधिकतम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है, कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई। विधान परिषद के कुल सदस्यों की कम से कम संख्या 40 होनी चाहिए और अधिकतम कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधान परिषद की संख्या 40 से कम है? राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर 36 है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? राइट आंसर है 7। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राइट आंसर है 25 वर्ष। विधानसभा और सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर है 60। किसी भी राज्य में कम से कम 60 सदस्यों वाली विधानसभा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट आंसर है 500। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 सदस्य रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? राइट आंसर है, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता के हिसाब से सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर किस आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था? राइट आंसर है, सरकारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग का गठन किया गया था जून 1983 में। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब और किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर है, 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है, 6 अगस्त 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का स्थापना 6 अगस्त 1952 में किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राइट आंसर है, अनुच्छेद 280, आर्टिकल 280 के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया है। अगला प्रश्न है, हु हैज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन? वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको है? राइट आंसर है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन नियुक्त करते हैं? राइट आंसर है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है, केसी नियोगी। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है, बाईवी रेड्डी। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है, एनके सिंह, जो फिलहाल में है। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है, 1926। लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में की गई थी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? यानी यूपीएससी के लोगों की सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरी होने तक। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है, राज्यपाल और गवर्नर। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है? राइट आंसर है, 6 वर्ष या 62 वर्ष पूरी होने तक। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर है, भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना मिलता है? राइट आंसर है 2.5 लाख रुपया प्रति मंथ। अगला प्रश्न है, पहले चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? राइट आंसर है 1 मेंबर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर है श्री सुकुमार सिंह। श्री सुकुमार सिंह जी भारत के प्रथम चुनाव आयोग थे। अगला प्रश्न है, 1993 में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग बना दिया गया? राइट आंसर है 3 सदस्यीय। 1993 में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया। अगला प्रश्न है, आचार संहिता कौन लगवाता है? हु गेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट इंस्टॉल्ड? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। आचार संहिता इलेक्शन कमीशन के द्वारा लगता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? राइट आंसर है महाभियोग के द्वारा, बाय इम्पीचमेंट। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किसके बराबर दर्जा मिलता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? राइट आंसर है भारत के संचित निधि से। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत के संचित निधि से यानी कॉन्सिलिटेटेड फंड से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? राइट आंसर है 1998 में। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? राइट आंसर है भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर है 30। प्राकलन समिति को एस्टिमेट्स कमीशन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 1 वर्ष। एस्टिमेट्स कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, प्राकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी को प्राकलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी का ट्विन सिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? राइट आंसर है 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 लोकसभा की तरफ से और 7 राज्यसभा की तरफ से। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर है 1 वर्ष। लोक लेखा समिति के सदस्यों का भी कार्यकाल 1 ही वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। पंचायती राज का स्टार्ट 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर है पंचायती राज से संबंधित रखता है 73वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का पहला स्तर क्या है? राइट आंसर है ग्राम पंचायत। पंचायती राज का फर्स्ट लेवल ग्राम पंचायत होता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी आरक्षण की बात कही गई है? राइट आंसर है 1/3 स्थान। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला राज्य कौन है? राइट आंसर है कर्नाटक। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राइट आंसर है नगर पालिका। अगला प्रश्न है, नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर है 3 प्रकार की। पहला है नगर निगम, दूसरा है नगर पालिका और तीसरा है नगर पंचायत।
अगला प्रश्न है, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई थी? राइट आंसर है 1687 ईस्वी में मद्रास में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग को वेतन कहाँ से मिलता है? राइट आंसर है संचित निधि से। भारत के कॉन्सिलिटेड फंड से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैग को वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल कब शुरू होता है? राइट आंसर है 12 बजे दोपहर को। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है क्या कहलाता है? राइट आंसर है तारांकित प्रश्न यानी कि स्टार्टेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित रूप में चाहता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है अतारांकित प्रश्न यानी कि अनस्टार्टेड क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? राइट आंसर है काकस। किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को हम काकस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सदन में पीछे बैठने वाले को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बैक वेंचर। अपना स्कूल वाला ही आ रहा अभी। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर GST संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? राइट आंसर है 100वें। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST संविधान के 100वें अमेंडमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह क्या है? राइट आंसर है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ के नीचे अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से अशोक स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो लिया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा है? राइट आंसर है देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? राइट आंसर है 3:2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियों वाला नीला चक्र कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे बना हुआ है चक्र 24 तीलियों वाला, वहीं से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन की रचना किसने की? राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। अगला प्रश्न है, जनगण मन को राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? राइट आंसर है 52 सेकेंड। जनगण मन को गाने के लिए पूरे 52 सेकेंड का समय लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? राइट आंसर है आनंदमठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जनगणमन को राष्ट्रगान में लिया गया और 26 जनवरी दो दिन बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर लिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत को गाने के लिए कितना समय लगना चाहिए? राइट आंसर है 65 सेकेंड और राष्ट्रगान को गाने के लिए 52 सेकेंड का टाइम लगना चाहिए। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? राइट आंसर है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। तो आज हमने 311 पॉलिटी के क्वेश्चन समाप्त किए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।